नमस्कार, जमशेदपुर में अल्पसंख्यक स्कूल में जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी पूरी जो फाइल थी समय जांच के दौर से गुजर रही है और जांच में नए नए तथ्य प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। मसलन अब नया तथ्य ये आया है कि जो लोग अल्पसंख्यक स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसमें से कुछ लोग टेट पास नहीं है और कुछ लोगों की एज भी ज़्यादा है। राष्ट्रीय अखबार प्रभात खबर के एक रिपोर्ट के मुताबिक ये स्पष्ट हो गया है कि अब आने वाले समय में शिक्षा विभाग उन लोगों की नियुक्ति नहीं करेगा जिन लोगों पर जांच चल रही है और जिनके ऊपर में आरोप भी लग रहे हैं कि उनकी डिग्री में दम नहीं है। 77 शिक्षक है 77 इसके लेकर के नियुक्ति को लेकर के ये खबर है और इसमें 2012 की शिक्षक नियुक्ति नियमावली को आधार बनाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि 69 शिक्षकों की फाइल की जब जांच हुई तो इससे पता चला कि 2012 में जो शिक्षक नियमावली थी उसमें से कई लोगों की गलती हुई है और कई लोगों की फाइल अधूरी है। अब सारे अल्पसंख्यक स्कूल के टीचर अपनी फाइल को दुरुस्त करने में लग गए, हालांकि ये काम पहले से ही हो गया था। हाल में ही मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश में कहा था कि जल्द ही इन लोगों की प्रक्रिया को पूरा किया जाए और जो जो लोग इसमें अच्छे उम्मीदवार हैं उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाए परमानेंट वाला, और इसके बाद ही टीचर आरोप लगा रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम ढंग से नहीं कर रही है। इसलिए जमशेदपुर में कैंप लगाया गया और कैंप के बाद में इसमें शुरुआत हो गई जाँच की प्रक्रिया की। हालांकि शिक्षक शिक्षिकाओं ने यह भी कहा है कि जांच पहले भी हुई थी और उसमें ओके किया गया था, तो बार बार 3-4 राउंड 5 राउंड की जांच से क्या निष्कर्ष निकलेगा, सिर्फ यह मामला लंबा खींचा जा रहा है। इसलिए उन्हें अंदाजा है कि हो सकता है कि नियुक्ति जल्द नहीं हो और ये लंबे समय के लिए फिर ठंडे बस्ते में चला जाए क्योंकि नजदीकी चुनाव की तिथि घोषित हो रही है। हमारे पास जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक टीचर ट्रेनिंग और टेट पास होना ये अनिवार्य कर दिया गया है, मतलब कि जो लोग टीचर बनना चाहते हैं उसमें ये दो योग्यता बाकी के साथ मस्ट है। और इस नियम के अनुसार अगर कोई भी टीचर उच्च शिक्षा हासिल किए हुए हैं, बीएड भी किए हैं और टेट पास भी है तो उसे अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त स्कूल में फर्स्ट क्लास से लेकर के पहली से लेकर पांचवी क्लास तक की बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी दी जा सकती है। लेकिन अगर कहीं पर ये दिक्कत हो रही है तो इनको मुश्किल हासिल होगा। हालांकि एक उनके पक्ष में डिसीजन भी है कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें बताया गया था कि अल्पसंख्यक स्कूल पर आरटीई लागू नहीं होता है, इसलिए अब टेट वाला जो मुकदमा होगा, टेट वाला जो मामला होगा वो इस पर लागू नहीं हो सकता है। हालांकि अब स्थितियां बदली हैं, 2-3 लोग तो पहले केस भी जीत चुके हैं सरकार से इसी मामले में। हाल में ही डीवीएमएस स्कूल में ये वाक्या हुआ था जहां पर केस जीता गया था। ऐसे कई हमारे पास में रिपोर्ट आते जा रहे हैं जिससे ये पता चलता है कि जो भी टीचर ग्रेजुएशन और बीएड हैं उन्हें जॉब पहले मिला है, इसलिए सरकार तो चाहती है कि नौकरी वो दे, लेकिन जहां पर टेक्निकल चीजें सामने आ रही है उसमें 2-3-4 महीने डिले हो जाती है। हालांकि अल्पसंख्यक स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिका कई महीनों से आस में है कि उनकी नौकरी शीघ्र लग जाएगी, लेकिन जब नौकरी नहीं लगती है तो उनका आस टूट जाता है और उन्हें लगता है कि अब हम नया कुछ क्या करेंगे। इसलिए यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार के निर्देश को ब्यूरोक्रेसी जल्द से जल्द पूरा करे और रिपोर्ट में जो कुछ भी आया है जिनके ऊपर जांच चली है या फिर चल रही है उनको एक होल्ड में करके बाकी लोगों की नियुक्ति कर दी जाए। अगर ऐसा होता है तो इसका लाभ सीधे सीधे उन सभी टीचर और जो भी शिक्षिका है उन्हें मिलेगा। हमसे ऐसे ही जुड़े रहिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।